HTML कैरेक्टर सिंबल्स और करेंसी, इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमें करेंसी के सिंबल्स, ये बाकी सिंबल्स है वो कैसे यूज करने हैं। जैसे कि आप गूगल पे जाओगे कैरेक्टर करके आप सर्च करोगे या सिंबल करके सर्च करोगे कैरेक्टर एंट्री, जैसे कि देखो यहाँ पे आ जाते हैं सिंबल्स, आपको ये सिंबल्स यूज करना है तो जस्ट ये सिंबल्स का कोड डालना है और इस तरह से ब्राउज़र में आ जाते हैं। तो आप ये कहीं पे भी कौन सा भी सिंबल लेके यूज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आता है HTML कोड, तो जस्ट ये कोड आपको आपके HTML में यूज करना है बस। जैसे कि अभी यह है कैरेक्टर लिया, तो अभी सिंबल्स लेते हैं हम। तो यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि ये है ट्रेडमार्क का सिंबल है, रजिस्ट्रेशन सिंबल है, तो ये हम इसका कोड है फॉर एग्जांपल ये ले लिया, यहाँ पे डाल दिया, एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह से सिंबल आ जाते हैं। मतलब ये सिंपल है, आप ये एक ये हम कोड की यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये सिंबल एट द रेट ये वो आप HTML में यूज करते हो तो वो एग्जीक्यूट होने में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन के लिए आप यूज करते हो तो ये सेम हम हमारे टैग क्लोज और ओपन करने के लिए यूज करते हैं, तो मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है HTML को और वो यूज़ नहीं कर पाता है प्रॉपर, तो इसलिए हमें ये सिंबल इस तरह से यूज करने हैं। यहाँ पे देखिए जिस समय वो सिंबल का कोड डालना है, वो सिंबल का कोड हम HTML में यूज करते हैं, तो उस जैसे कि हम देख रहे हैं इस टाइप के सिंबल्स वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि अभी करेंसी का हम देखते हैं, कैरेक्टर और सिंबल्स का हमने अभी देखा, अभी करेंसी है, करेंसी का भी सेम ही है, करेंसी कोड यह यूज करना है। हम अभी गूगल में जाके सर्च करते हैं HTML करेंसी लिस्ट, तो यहाँ पे हमें करेंसी के कोड मिल जाएंगे और सिंपल कोड है वो हमें यूज करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, जैसे कि हम ये कोड उठाते हैं तो रुपीज का सिंबल आता है, ये देखिए रुपीज का सिंबल आ गया। इस तरह से आप जितने सिंबल है वो इस तरह से यूज कर सकते हो।